हिसार के डीएन कॉलेज रोड पर इस समय हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसी बड़ी वजह यहाँ पर है और पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने से ऐसी एक बड़ी विशाल वजह बनी हुई है। और यहाँ से आपको बता देते हैं, हर रोज 10 से 15 हजार व्हीकल यहाँ से डेली गुजरते हैं और कभी भी ये व्हीकल हादसे का शिकार हो सकते हैं, कभी भी किसी की चोट और किसी की मौत हो सकती है, क्योंकि यहाँ आगे फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री कुछ आगे फैक्ट्रियां, कुछ रिहायशी एरिया है और लगातार 10 से 15 हजार व्हीकल यहाँ से गुजरते हैं। और यहाँ पर बड़े हादसे होने का कारण जो है वो ये है, वो है मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये बड़ा खड्डा। जी हाँ, ये बड़ा खड्डा आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा गहरा खड्डा है और लगभग 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं इस गहरे खड्डे को, लेकिन पब्लिक हेल्थ विभाग जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ है, बहुत लंबे समय से सोया हुआ है, हर कोई उसे जगाने का प्रयास करता रहा है। ये आम आदमी जो है, ये तस्वीर देख लीजिए, ये सभी उठ उठ करके आए हैं और उन्हें जगाने का प्रयास करते रहे हैं पब्लिक हेल्थ को, लेकिन अभी तक भी उसकी आंखें नहीं खुली है। आखिर कब खुलेगी आंखें, कब होगा विकास? और आपको एक बात और बता देते हैं, यहाँ से लगभग महज 500 से 700 मीटर की दूरी पर जो है निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी का घर भी पड़ता है और फिर भी काम नहीं हो रहा। हैरानी की बात है, उनके एरिया में ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा और कितने समय से दिक्कत बनी आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस समस्या से अवगत अधिकारी भी हैं, ये नहीं है कोई नेता भी हैं, वो भी है। जो है पिछले दिनों जो नगर निगम की मीटिंग हुई थी उसमें जो है मेयर गौतम सरदाना ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इसे इमरजेंसी काम में लेकर फटाफट किया जाए, लेकिन उस घटना को भी, उस बात को भी लगभग 15 से 20 दिन यानी महीना भर हो चुका है, लेकिन अभी तक भी काम शुरू नहीं हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, कितने महीने से ये दिक्कत आ रही है? दो महीने से सुना है बहुत ज्यादा गहरा खड्डा है, 25 फुट गड्ढा है, कम से कम 25 फुट 25 फुट गड्ढा है। अच्छा, और आज तक कोई प्रशासन कोई नहीं आया, आज तक देखने तक नहीं आया, खुद फोन करके बोला के ये बोर्ड लगा के जिस दिन से गया है एक दिन नहीं आया कि हाँ यहाँ पे हादसा हुआ कि नहीं हुआ। दिन में कम से कम तो पशु को बचाते हैं, 20-25 पशु आते हैं यहाँ पे। अच्छा, गायें जो यहाँ घूमती है वो इधर घूम बढ़ जाती है, उनको बचाते हो आप लोग? हाँ, बचाते हैं, दिन में सारा दिन उसी को हटाते रहते हैं। अच्छा, हाँ, बगल में कलम गुप्ता है, वो भी नहीं आया एक बार भी देखने के लिए, विधायक जो है बगल में वो भी नहीं आया देखने के लिए, उनकी तरफ से कोई और आए होंगे, वो तो मंत्री है, उनको इतना टाइम कहाँ होगा, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं आया, आए नहीं, 2 महीना हो गया आज। अच्छा, 2 महीना से कोई नहीं आया। कमल गुप्ता जी जो निकाय मंत्री है, उनकी तरफ से कोई आया यहाँ पे संभालने? यहाँ सर कोई नहीं आया, 10 जुलाई को ये खड्डा हुआ था, सबसे पहले मेरे को पता लगा था, सबसे पहले मैंने इसको खड्डे को भराया, ये किक्कर मैंने काटी अपने हाथ से, पुलिस को सूचना मैंने दी है, पुलिस मौके पर आई है, बेरेल उन्होंने उठवाया है और चारों तरफ से इसको घेरा मैंने लगवाया, ये पूरी मार्केट यहाँ गवाह इस चीज की, उसको 9 बजे 9:30 बजे पूरा खड्डा करवा के इसको चारों तरफ से बंद करके मैं गया हूँ। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं आया, सिर्फ पार्षद ने सूचित किया, पार्षद यहाँ 8:30-9 बजे आए थे, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से ज्यादा हो गया होगा समय, क्योंकि 10 जुलाई गए, करीबन 1.5 से 2 महीने हो गए इसको पूरा, 1.5 से 2 महीना। हाँ, ठीक है, उसके बाद विधायक जी भी यहाँ कोई नहीं आया, ना उसके बाद कोई पार्षद यहाँ आया, ना कोई पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी आया है। ठीक है, बोले जी बजट बना के भेजा हुआ है, ठीक है, सिर्फ ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये तो सारा वार्ड बाणियों का है, ठीक है, इन बाणियों ने वोट दिए थे, बाणी यहाँ के कहते थे दुकानदार को, रहे बोले तुमको परेशानी है तुम इसको कराओ, जब हम लोगों को बोलते हैं अग्रवाल समुदाय को भी तुम चलो तुम्हारा विधायक है अग्रवाल समुदाय का, वो कहते हैं हम विधायक के पास नहीं जाते, हमारे विधायक की हम बेची नहीं करना चाहते की। अच्छा, ये सवाल बाणी अग्रवाल समुदाय बोलता है तो भाई उस तो वोट दिए थे अग्रवाल समुदाय को, तो बेची तो करनी पड़ेगी भाई, उसी पे वोट कैसे लिए थे, आगे नहीं लेने आएगा वोट वो, तो इस अग्रवाल समाज के घर ज्यादा है यहाँ पे, यहाँ सारा वार्ड अग्रवाल समुदाय का है, हनुमान जो यहाँ का मेयर रह चुका है चेयरमैन, सारा वार्ड ही उसका है। अच्छा, आज ये अंबिका शर्मा और तीनू जैन का वार्ड का बीच का हिस्सा है। अच्छा, दोनों पार्षद भी नहीं सोच रहे इसके बारे में, ठीक, वो कहते थे ग्रांट बना के भेज दिया है इसीलिए ये काम नहीं हो रहा, यदि यही काम जाट के किसी इलाके में होता तो ये 24 घंटे के अंदर हो जाता धरना देंगे। चलिए, किसी कास्ट पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, सारी मार्केट परेशान है, सारे लोग परेशान है, देखो कितने लोग परेशान है यहाँ, सारे रास्ते बंद है, बच्चे वहाँ माता पिता सबके वहाँ स्कूटी खड़ी कर करके पैदल बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं, किसी का बच्चा 3 साल का, किसी का 4 साल का है, हरी गर्मी के अंदर कमल गुप्ता जी का घर, कमल गुप्ता जी का यहाँ से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे है, 300 मीटर के ऊपर यहाँ एमसी का पार्षद का मकान है, एमसी की शायद चलती नहीं है क्योंकि उन्होंने वो कांग्रेस का है, वो कांग्रेस ही है पार्षद, इसलिए उसका काम नहीं कर रही सरकार। अच्छा, समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है, सुनवाई नहीं हो रही, हाँ उसकी सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि वो कांग्रेस ही है, बड़ी हैरानी की बात है, एमसी की सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी मानते नहीं सुनते नहीं और
मंत्री जो है वो यहाँ की सुध लेते नहीं है। महज 300 मीटर की दूरी पर उनका घर बताया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई जो है नहीं हो रही। अधिकारी जो है वो बड़े स्तर पर अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, गहरी नींद में सोए हुए हैं पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारी। आखिर क्यों नहीं हो रहा? 1.5 से 2 महीने होने को आ रहे हैं, बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता देता हूँ, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ विभाग को कि यहाँ पर मंगलवार के दिन कहा जा रहा है कि बरसात अच्छी होने वाली है। अगर बरसात होती है तो और ज्यादा गहरा खड्डा हो सकता है, आसपास का सारा क्षेत्र जो है वो नीचे धस सकता है, बहुत ज्यादा जो है लोगों को जान माल का नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ से कम से कम 10 से 15 हजार भी प्रयास हो जाते हैं। वैसे हर रोज 10 से 15 हजार भी क्योंकि आगे चार फैक्ट्रिया सारी सत्यनगर के अंदर है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया है, पाइप है जो की फैक्ट्रिया है। उसके बाद यहाँ लोहा मंडी जो कि बाईपास हो गई शहर के अंदर, तो लो एंट्री है सुबह 8 बजे के बाद सारे बाईपास आते हैं, बड़े ट्राले बड़े हैवी व्हीकल सारे यहाँ से होते हुए लोहा मंडी जाते हैं। सही है, आना जाना यही है। वैसे कितने समय से दिक्कत हो रही है, कोई अधिकारी नहीं है सर? ये दिक्कत है 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे भाई साहब हैं हमारे साथ रहते हैं, लगभग इस रोड की लगभग कोई भी परेशानी आती है तो ये पुलिस वाले या पार्षद कोई भी हो उनको फोन करके बताते हैं। बकायदा हमारे दोनों पार्षद वार्ड नंबर 1 और 2, इनका विनोद कुमार नाम है, सोडा शॉप इनकी सोडा शॉप है, ठीक है सर। तो और जो काम सरकार को करना चाहिए वो तो इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए है, ये सिर्फ इस चीज का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी कोई मौत हो जाए तब जाके हम इसको देखें। अभी तक कोई भी नहीं आया सर, ये बिल्कुल ये पहले छोटा गड्ढा था पर ये धीरे धीरे बारिश का पानी इसके अंदर जाने के कारण ये गड्ढा और हो गया। बिल्कुल दिखाते हैं सर आपको, चलिए देख लेते हैं ये बड़े हादसे का कारण। यहाँ कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब देखो वो कैसे निकल के आ रहे हैं, लोग अभी भी रिस्क ले रहे हैं, अपनी रिस्क ले रहे हैं, कभी भी ये जगह खिसक सकती है। वो देखो ये जगह कभी भी खिसक सकती है, कभी भी। ये देखिए ये सारे लोग यहाँ से गुजरने को मजबूर है। वैसे यहाँ से क्यों गुजरते हो रफी, ये बंद है फिर क्यों गुजर रहे हो? यहाँ भीड़ ज्यादा रहती है उधर, यहाँ से नजदीक होती है उधर, भीड़ भी शहर में भीड़ ज्यादा लग रही है उस वाले पे। हाँ जी, इसमें थोड़ा कम है। सारा लोड यहाँ का भी उस दूसरे फाटक पे पड़ जाता है और भीड़ और जाम भी ज्यादा लगता है, जिसके चलते यहाँ से लोग गुजरते हैं। हालांकि यहाँ से गुजरने में आसानी होती थी, लेकिन अब कभी भी बड़ा दुर्घटना यहाँ से हो सकती है। भाई साहब यहाँ पता है आपको, इतना बड़ा गहरा खड्डा, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। फिर आप फिर यहाँ से गुजर रहे हो, गलत है ना? गलत है ना? चलिए मानते हैं ये गलत है। आपको मैं खड्डा दिखा देता हूँ, वो गहरा खड्डा लगभग 25 फुट गहरा। उस फुट पे जाओ, उस कोने पे ये देखिए, 25 कोने से फोटो आएगी आप किसी भी जा। गहरा खड्डा है, देखो ये देखिए कितनी बड़ी सीवरेज की लाइन और 25 फुट गहरा खड्डा, लेकिन इसे अभी तक भी ठीक नहीं करवाया गया। आखिर क्यों और कब तक ये मटिया डागे? और अगर बरसात आती है तो ये भर जाता पूरा, बिल्कुल पानी से भी भर जाता है और आसपास का जो है कटाव हो सकता है, बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। ये बड़ी सुरंग बन चुकी है, हालांकि एक छोटे से खड्डे में शुरुआत हुई थी, लेकिन होते 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 एक बड़ी सुरंग सी बनती जा रही है और कभी भी बड़ा हादसा इस रोड पर हो सकता है, कभी भी किसी की मौत हो सकती है, लेकिन उस मौत का जिम्मेवार कौन होगा? अभी बरसात बता रखी है, अगर बरसात 25 अगर मंगलवार को होती है तो जो है यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं पर अधिकारी ये कहते हैं कि भाई इसका एस्टिमेट जो है लगभग पास हो चुका है, लेकिन अब पास हो चुका है, 1.5 महीना हो चुका है, 2 महीना हो चुके हैं, तो फिर काम कब होगा? हालांकि एस्टिमेट पास होने के बाद एजेंसी लगाएंगी, कम से कम 10-15 दिन ये लग जाएंगे, उसके बाद काम करेंगे 15-20 दिन या महीना तब लग जाएगा, यानी 1-1.5 महीना और लोगों को ऐसे ही हालात में मजबूर होना पड़ेगा अगर अभी काम। आगे त्योहार आने लग रहा है भाई, और त्योहार आ रहा है, त्योहार पर ज्यादा जो है दिक्कतें आ सकती है, तो प्रशासन से अपील जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस काम को शुरू करवाया जाए ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, किसी की मौत या चोट फेट न हो सके। आपको फिर से बता देता हूं कि मेयर गौतम सरदाना ने इसके लिए उस मीटिंग में हम भी मौजूद थे, वहां पर पब्लिक हेल्थ विभाग को स्पेशल कहा था कि इसे इमरजेंसी काम के तौर पर तुरंत लेकर के इसे ठीक करवाया जाए, और लेकिन कहा यह जा रहा था कि लगभग इसका एस्टिमेट पास भी हो रहा है 28.5 लाख एक खड्डे को भरने के लिए 28.5 लाख रुपए। देखिए अब सरकारी पूंजी है, 28.5 लाख अगर एक खड्डे को भरने के लिए लगाए जाएंगे, चलिए वो तो एक विभागीय जांच का विषय होगा, लेकिन अभी तक भी इस पर काम नहीं हुआ है, और अगर अभी काम शुरू किया जाएगा तो भी जब जाके कम से कम 15 से 1 महीना लग जाएगा। प्रशासन से अनुरोध की बड़ा हादसा होने से पहले से काम करवाया जाए ताकि बड़ा हादसा न हो।